हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। आज से गाइस हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके देंगे, जो आप नेक्स्ट डे से अपने हमारी एनालिसिस को यूज करके और प्लस अपने एनालिसिस करके कोई बढ़िया सी ट्रेड ले सके। सो गाइस आज से हमारे न्यू इनिशिएटिव है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आपको डेली मार्केट की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी के बारे में कि क्या होने वाला है कल, कैसा क्या सिनेरियो रहने वाला है निफ्टी में। तो जो अगर हम पहले देखें निफ्टी का, तो निफ्टी के अंदर अगर हम देख ले तो हमारे पास एक, आप देख सकते हैं जो एक लेवल पकड़ा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। वन सेकेंड, हाँ तो ये आप लेवल देख सकते हो। इसके अंदर आपको ये एक लेवल है जो आज सस्टेन नहीं हो पाया। हम देख रहे थे कि अगर 17,300 से ऊपर अगर वो सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी अप मूव देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी के अंदर, पर वो नहीं कर पाया और ये वापस आके इसने काफ़ी, आप देख सकते हो, काफ़ी एक एक्सपेक्टेड मूव दिया है डाउन साइड में, जो कि नहीं एक्सपेक्टेड था मार्केट लास्ट टाइम में। जो बाकी मार्केट पूरी रेंज बाउंड चल रही है और ये गैप अप ओपनिंग दी है, तो आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गैप फिल हो जाए और आपको एक डाउन साइड मूव देखने को मिल जाए। अगर ये 17,300 के ऊपर जाएगा तो आप एक वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मूव अच्छे खासा। तो वन सेकेंड, हाँ तो अगर हम इसके टारगेट्स के बारे में बात करें तो हम आपके लिए लिख देते हैं। अगर ये निफ्टी 17,150 का अगर लेवल क्रॉस करता है, बनानी है और आपका जिसमें टारगेट रहेगा तो आपका 17,100 का, सॉरी आपको अगर 17,100 तो आपको सेल करना है, सेल पोजीशन बनानी है और इसमें आपका टारगेट रहेगा 17, और आप अपना एसएल लेके चल सकते हो 30 पॉइंट्स का। और प्लस अगर इसमें एक हमें अप मूव देखने को मिलती है, अगर ये लेवल तोड़ता है 17,250 का, तो आप इसके अंदर एक बाय मूव बना के चल सकते हैं, जिसका आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,350 का, एक्सपेक्टेड अप मूव रहेगा और इसके अंदर भी आप एसएल अपना 30 पॉइंट्स का मेंटेन करके चल सकते हैं। सो गाइस ये आपका कल के लेवल रहेंगे और सॉरी अगर कल के लिए आपको ये अप डाउन साइड आपको देखने को मिले, वैसे प्रेफर आप डाउन साइड ही करना क्योंकि गैप है वो इजीली फिल आउट हो सकता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके जो हमने प्राइस बता दी है तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से कल के लिए बेस्ट रहेगा। और अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी आज सेम निफ्टी की तरह एक अनएक्सपेक्टेड डाउन साइड मूव दिया है, पर बैंक निफ्टी का ऐसा कुछ गैप अप खास ओपनिंग हुआ नहीं था, तो ये एक रेंज बाउंड के अंदर ही है। और इसके अगर हम लेवल के ऊपर ध्यान दें तो आप इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर अभी ये एक रेजिस्टेंस फेस करके आया है 35,375 के अराउंड, और अभी ये एक डाउन साइड मूव देखा है। तो इसके अंदर आप जो हमारे हम आपको बता देते हैं जो इसके अंदर आप कर सकते हो, एक अगर आप इसके अंदर, अगर आपको इसके अंदर 35,200 का ये रेंज ब्रेक करता है तो आप इसके अंदर बाय पोजीशन बना सकते हो और इसका टारगेट रहेगा आपका 35,400 के अराउंड, इसमें आपका एसएल रहेगा 70 पॉइंट्स के अराउंड। ये टोटली डिपेंड रहेगा कल की मार्केट के ऊपर। और अगर आप सेलिंग के ऊपर बात करें तो 34,930 का एक इसका इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक का लेवल है, इसके ऊपर आप सेल कर सकते हो, सेलिंग पोजीशन बनानी है। अगर ये पॉइंट क्रॉस करता है तभी आपको ये सेलिंग पोजीशन लेनी है। आपका टारगेट रहेगा इसमें 34,800 का, या आप 130 पॉइंट्स का आप इसके अंदर एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर जो आपका रहेगा वो भी 70 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। इसके आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये हमारा कल करेगा, कल आप क्वांटिटी कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड चल रहा है और एक रेंज के अंदर बाउंड है। जैसे हमें कोई एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलेगा तो उसके बाद ही हम एक एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे। सो गाइस ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, आप इसके अंदर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप अपना खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये सिर्फ एक हमारी एनालिसिस है
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली इसी तरह की आपको अच्छे मेक और ब्रेक लेवल जानने के लिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।